हाय गाइस, वेलकम। यू आर लिसनिंग शार्पलर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का न्यू लेक्चर, जिसमें आपको आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पेज बॉर्डर किस तरह इंसर्ट करना है, पेज की विड्थ को आपने किस तरह इंक्रीज़ करना है, टेक्स्ट पर आपने बॉर्डर को किस तरह अप्लाई करना है और उसकी विड्थ को आपने किस तरह इंक्रीज़ करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पेज है, इस पेज पर अब हमने एक बॉर्डर अप्लाई करना है, तो वो हम बॉर्डर किस तरह अप्लाई करेंगे, आपने यहाँ पर आना है, लास्ट में आ जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। यहाँ पर एक सेंटर में ऑप्शन दिया हुआ है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इनमें से जो मर्ज़ी आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला जो स्टाइल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसकी हम शेडिंग भी दे सकते हैं इस बॉर्डर को। यहाँ पर बॉक्स है, शेडिंग है, 3D है, 3D भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक कस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ बॉक्स। जैसे ही हम इस पर ओके करते हैं तो आप देखते हैं कि पेज का जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो गया है। तो इस तरह हम पेज के बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज की जो विड्थ है उसको हमने इंक्रीज़ किस तरह करना है, पेज पर आइए। यहाँ पर नीचे विड्थ का ऑप्शन दिया हुआ है, 1/4 PT है ये वाला। इसमें क्या है कि इसमें हमारी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखते हैं कि हमारी जो विड्थ है वो अब पहले से इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह हम कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाला स्टाइल चूज़ करता हूँ। जो ये वाला स्टाइल है इसको मैं चूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं शेडो देता हूँ इसको। यहाँ से मैं इसकी जो विड्थ है उसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो शेडो वाला पेज बॉर्डर है वो अप्लाई हो गया है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर 3D पर हम सिलेक्ट करते हैं, 3D पर, तो ये वाला 3D सिलेक्ट हो गया है पेज बॉर्डर। ये जो स्टाइल दिए हुए हैं इनके अलावा कुछ और भी स्टाइल्स हैं, नीचे आप आएँ तो ये वाले काफ़ी सारे न्यू स्टाइल्स इसमें दिए हुए हैं कि आप स्टार्स लगाना चाह रहे हैं तो ये वाले स्टार्स का जो बॉर्डर है ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह और भी मज़ीद यहाँ पर दिए हुए हैं स्टाइल्स, जैसा कि यहाँ पर या साथ साथ लिखे के साथ में बॉर्डर्स व्यू भी हो रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे बॉर्डर्स दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला बॉर्डर मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखें कि ये वाला बॉर्डर्स अप्लाई हो गया। इस तरह आप किसी भी पेज पर आप इन बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ शार्प लर्न। अब इस टेक्स्ट पर मैंने क्या करना है, एक बॉर्डर अप्लाई करना है, तो वो मैं किस तरह करूँगा। यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर एक बॉर्डर्स, ये था पेज बॉर्डर, अब यहाँ पर है बॉर्डर्स। तो जैसे हमने पेज बॉर्डर अप्लाई किया इसी तरह हम टेक्स्ट बॉर्डर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी जो विड्थ है इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब आप देखें कि ये वाला इस तरह हम इसका जो टेक्स्ट पर जो बॉर्डर है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पर हम शैडो भी दे सकते हैं, 3D बॉर्डर जो है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम पेज का बॉर्डर किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉर्डर को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर साथ में शेडिंग दी हुई है, आप शेडिंग में हमारे पास कलर्स हैं, आप उनको किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास
शेडिंग आ गई बॉर्डर्स की। तो इसी तरह हम कोई भी टेक्स्ट पर जो कलर है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। यूट्यूब न्यू अपडेट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।